ये पार्क विश्व का पहला ऐसा पार्क है कि जिसमें दिव्यांगों की आवश्यकता, जो जो उनमें कमी है जैसे स्मेल, तो उस प्रकार की वनस्पति लगाई जा रही है, स्पर्श तो उस प्रकार की चीज़ें आ रही है, अंधे तो ब्रेल लिपि में जाकर पढ़ पाएंगे, खेल उसी प्रकार के हैं। यहाँ म्यूज़िक का आउटडोर स्टेडियम दिव्यांगों के लिए है, जो म्यूज़िक पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। यहाँ के खेलने के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधा है, कैंटीन है, वाटर थेरेपी है, जितनी टेक्निकली दिव्यांगों के लिए डेवलप करने के लिए आवश्यकता है वो पूरी है। इसके डॉक्टर यहाँ रहेंगे, डायग्नोसिस होगा, स्पीच थेरेपी से लेकर 7 प्रकार की थेरेपी सिखाई जाएगी। दिन भर आएंगे यहाँ, भोजन की उनको नाश्ता भोजन कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। पत्ते हैं तो उनके अलग पत्ते हैं, उसकी व्यवस्था है। तो एक पूरी तरह से ये एक दिव्यांगों के लिए आनंद देने वाला है। हमारी 3% पॉपुलेशन दिव्यांग है, करीब 5% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन है, और उनके तरफ समाज का ध्यान नहीं जाता, उनके तरफ ध्यान देकर उनको प्रोत्साहित करना, समाज के मुख्य प्रवाह में लाना, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिव्यांग अधिकार कानून भी 2016 में हमारी सरकार ने पास किया है। अभी हमने खासदार क्रीड़ा महोत्सव में दिव्यांगों के लिए स्पर्धा जो ली थी सभी, इसमें 1500 दिव्यांगों ने भाग लिया। तो अभी दिव्यांगों के लिए एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, सब प्रकार की व्यवस्थाओं ये भी करने का हमारा प्रयास है। समाज में हमारे जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, दिव्यांग है, जिनके जीवन में आनंद नहीं है, इस बहाने उनके जीवन में आनंद निर्माण करने का एक प्रयास है। निश्चित रूप से दिव्यांगों के सहयोग के साथ और सभी के सहयोग के साथ यशस्वी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 2 एकड़ में है, भारत सरकार ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए अनुदान दिया है, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, कम ज़्यादा लगेगा तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पैसे देंगे। हमने अच्छा आर्किटेक्ट चुना है, 6 महीने के अंदर इसका काम पूरा करेंगे, वर्क ऑर्डर दिया गया है।